दिल्ली से बनारस जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की खबर जैसे ही फैली, यात्री इमरजेंसी विंडो से नीचे कूदने लगे। सभी यात्रियों को फ्लाइट से नीचे उतारा गया। विमान को जांच के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आइसोलेशन बे में ले जाया गया। बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर वाराणसी जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E2211 में मंगलवार सुबह टेक ऑफ से पहले एक टिश्यू पेपर मिला, जिसमें 30 मिनट में बम ब्लास्ट की बात लिखी हुई थी। इसके बाद क्रू मेंबर्स ने पैसेंजर्स को इमरजेंसी गेट से बाहर निकालना शुरू किया। वहीं कुछ यात्री विंग के जरिए प्लेन से उतरते हुए देखे गए। फ्लाइट में 176 पैसेंजर्स थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर QRT और बम डिस्पोजल टीम बुलाई गई। प्लेन की तलाशी ली गई, हालांकि अधिकारियों को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे वॉशरूम में पायलट को टिश्यू पेपर मिला था। अब ये टिश्यू पेपर वहां कैसे पहुंचा, इसकी भी जांच की जा रही है। इधर यात्री अपनी जान बचाने के लिए फ्लाइट की इमरजेंसी विंडो से नीचे कूदने लगे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बम की सूचना मिलते ही एविएशन सिक्योरिटी, डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल स्क्वाड और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। फिलहाल फ्लाइट की जांच की जा रही है। इससे पहले 1 मई को दिल्ली NCR के 100 से ज्यादा स्कूलों में भी बम रखे होने का ईमेल भेजा गया था। हालांकि पुलिस ने इस सूचना को फर्जी बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, NPG न्यूज़।